पहले जहाँ तुम्हारे लिए या रसूलल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे नहीं। तो नाउस रसालत का जो मसला है इसके लिए पूरी उम्मत को एक होना होगा और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि अगर किसी ने भी हुज़ूर को शान गुस्ताखी की, अहले बैत को शान गुस्ताखी की, सहाबा इकराम की शान गुस्ताखी की, तो फौरी तौर पर FIR उस पर दर्ज करवाई जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और अपने इलाके के पुलिस और MLA द्वारा को मेमोरेंडम दिया जाए कि नामों से कानून बनना चाहिए कि जो भी हुजूर की शान में तोहफा करे उसको ये सजा दी जाए। इस किस्म का एक कानून बनना ज़रूरी है। अगर ये कानून बन गया तो बहुत से कितने मसाद से हमारा मुल्क महफूज रहेगा। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस बिल को, नामों से सारा बिल को फौरी तौर पर मंजूर करें और इस बिल को पास करें और ये कानून बनाए। और आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि नामों से रसालत के नाम पर अगर किसी ने आपको आवाज़ दिया कि हुजूर के नामों के लिए आपको आना है तो आप वहाँ पर उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। मगर ये देख लें कि वो गुस्ताखे रसूल को नहीं ये बुलाने वाला, शहद दिखाए, जहर पिलाए, फाते डाले, शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या मिल जाए, देखी दुनिया देखी भागी है। तो आप हजरात नामों से रसालत पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें और इंशाअल्लाह ताला अगर आप तमाम हजरात और हम लोग सब मिलकर नामों से रसालत पर काम करेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तहफ्फुज नामों से रसालत पर काम करते रहेंगे तो ये बिल नामों से रसालत बिल जरूर इंशाअल्लाह ताला पास होगा और अल्लाह तआला उस तक को इसका अभी दुनिया और आखिरत में आता है।